अरे किसी नहीं लगता अगर आप किराया पर व्यवस्था मकान तक कर देते तो खाने का व्यवस्था रोजगार का व्यवस्था कर देते तो और जो जहां वहां रहो तो 15 साल में आप रोजगार बिहार में क्यों नहीं दिए, रोजगार मिल जाता अगर बिहार की जनता आपको मौका देगी तो बीजेपी की नहीं तो पहला कैबिनेट मीटिंग होगा, पहला कैबिनेट का लंच चलेगा दस्तखत होगा तो 10 लाख नौजवान मिलता भी है तो समय पे नहीं मिलता है और मिलता तो 400 मिलता ही महंगाई में 400 से कम होगा। हमारे बुजुर्ग माता और जितने हमारे विवाहों के आशीर्वाद दीजिएगा तो 400 से 1000 विधा पैसे से आप लोगों को ठगने का काम किया गया। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन 10 नवंबर को रिजल्ट आना है। लेकिन हमको जो ये अपार भीड़ ये जन सैलाब जो देखने को मिल रहा है मोकामा की जनता ने तय कर दिया कि मौजूदा सरकार का 10 तारीख को विदाई तय है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको नियमित करेंगे और इनका मानदेय को भी बढ़ाने का काम करेंगे। किसान लोग लाठी खाया, टीचर लोग, नियोजित शिक्षक लोग, हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी कि सारे नियोजित शिक्षकों को जो उनका मांग रहा है समान काम समान वेतन उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए ज्यादा समय नहीं, अभी इसके बाद जाना लखीसराय की समस्या जो लंबे अरसों तक रही है इसको भी हम लोग जो है की समस्या को हम लोग हल कराने का काम करेंगे। और आप देखिएगा हॉस्पिटल आप लोग नहीं चाहते मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने, प्रखंड में अच्छा अस्पताल होना चाहिए। अब यहाँ क्या नीतीश कुमार जी ने मुंह फेरने का काम किया, 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर पर बिहार है मुंह फेर लिए, लॉकडाउन का बहाना बोला गया कि जो जहाँ है वही रहो, कोई व्यवस्था नहीं, जहाँ काम किया था वहाँ काम फैक्ट्री का मालिक निकाल दिया, पैसा नहीं दिया, घर का मालिक उसको निकाल दिया क्योंकि किराए के लिए पैसा नहीं था। लोग बिहार के लोग रोड पे आ गए, 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए और नीतीश कुमार जी को जब सहारा बनना था तो इन्होंने मजदूर गरीबों से मुंह फेरने का काम किया। इस बार आप मजदूर भाई मन बना लीजिए, किसान भाई मन बना लीजिए, जिसने लॉकडाउन के समय आपसे मुंह फेरने का काम किया इस बार विधानसभा में भी उनके लिए लॉकडाउन लगा। अभी साथे साथ हो रहा है ग्रेजुएट वाला टीचर वाला, इसमें आजाद गांधी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, उसके जितने भाई नौजवान सब लोग हैं स्नातक वाले सब आजाद गांधी जी को लालटेन पर बटन दबा करके बिताने का काम कीजिए। मोकामा का कहना है यहाँ तो जब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है
तीर का जमाना गया, मिसाइल का जमाना गया। अपने तीर से जो नौजवानों को जो छल्ली करने का काम किया गरीबों को, बिहार में तीर का वारा बिहार में सहने वाला है। तीर का वारा बिहार चला देगा इसको। नीतीश जी को ये समझना पड़ेगा, आप लोगों को बताने आए अगर बेरोजगारी का अंधेरे को मिटाना है तो लालटेन के प्रकाश को जलाना होगा। गरीबी को हटाना है, 10 लाख रोजगार देखो लंबा राजनीति करना है हमको, लंबा राजनीति करना भूल नहीं जानेंगे हम। ठेठ भी आ रही है, ठेठ भी आ रही है, जो वादा किए उसको हम पूरा करेंगे। और हमारा डीएनए भी शुद्ध है। अभी बताइए आपको स्थायी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, इसके लिए जरूरी है स्थायी सरकार भी होनी चाहिए। नीतीश जी बार बार पलटी मार करके 4 साल में 4 सरकार दी है, 4 सरकार। आपको अगर विकास चाहिए, काम चाहिए, स्थायी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको स्थायी सरकार भी चाहिए। नीतीश जी का कोई ठीक है ऐसा कोई सरकार है जिसको नीतीश जी का ठगा रहे हैं? सबकी महान जनता को प्रणाम सलाम करने आए हैं। आप सब लोग ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट का समय मिला है। 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान हैं। आप बताओ नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया? जो लोग बेरोजगार है हाथ उठा करके बताए, ना बेरोजगारी दूर कर पाए, ना पलायन रोक पाए, ना गरीबी मिटा पाए, ना भुखमरी मिटा पाए। कलश जब बैठाता है आदमी तो संकल्प लेता है। हमने कल संकल्प लिया है कलश बैठाने के समय कि अगर सूर्य जनाब की जनता एक मौका देगी कि नहीं देगी, 5 साल के लिए एक मौका अपने भाई बेटा को देगी कि नहीं देगी, देगी तो हाथ उठा दीजिए बताइए। तो समझ जाओ 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 1 महीने बाद आपका भाई बेटा पहला कैबिनेट मीटिंग में मेरा पहला कदम चलेगा मुख्यमंत्री रहते हुए, तो 10 लाख नौजवान को फॉर्म आवेदन फॉर्म जो आप लोग भरते हैं नौकरी के लिए उसका फीस भी हम माफ करेंगे। इंटरव्यू देने जाते हो, परीक्षा केंद्र जाते हो, उसका किराया भी माफ करेंगे सरकार देगा। नियोजित शिक्षक है, समान काम समान वेतन का पूरा हम लोग करेंगे। लेकिन जी जीविका दीदी, आशा दीदी, जितना विकास मित्र सब लोग स्वयं सहायता समूह जितने हैं उनको हम लोग नियमित करेंगे और उनको रोजगार की व्यवस्था हम लोग कराएंगे, मानदेय भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोग आंगनबाड़ी दीदी जितनी सब लोग हैं स्वयं सहायता समूह सब लोगों को नियमित किया जाएगा, मानदेय बढ़ाएंगे कम से कम 4,000 रुपया। और यहाँ जितने बुजुर्ग माताएं हैं, जितने हमारे पिता के उम्र के बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, कहीं नहीं मिलता है अभिज्ञा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिलता, समय पे नहीं मिलता। 400 रुपया अगर मिलता है तो 400 मिलता है, अगर अपना बेटा को मौका दीजिएगा तो 400 से 1,000 रुपया हमको मिलेगा। अरे आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे देखिए प्रहलाद जी हमेशा लालू जी के साथ पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में विपरीत स्थिति में भी सुख में
हमेशा खड़े रहे हैं। इनको एक मौका दीजिएगा, प्रहलाद जी जीतेंगे, उधर से अमरेश जी लखीसराय से जीतेंगे, तबला मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत लोग प्रत्याशी बन करके घूमता है लखीसराय का, लेकिन गलत फैमिली में मत रहना। वहाँ पंजाब के निशान पे अमरेश सिंह जी आप लोगों के उम्मीदवार हैं, इनको ही वोट दीजिएगा। यहाँ से प्रहलाद जी है, तो एक बार लखीसराय की जनता महागठबंधन सरकार को लाएगी और 10 नवंबर को नीतीश जी का विदाई करेगी। तो विदाई होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो ही सरकार सारा साल हो गया, यहाँ एक नेता है घूम घूम करके झूठा मुकदमा करवाता है, फंसाता है आम जनता लोग, इतना दिक्कत में है, कठिनाई में है, सब लोगों को फंसाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने का काम करेंगे। आपका भाई बेटा आपके साथ है, तेजस्वी आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो लंबा राजनीति करना है हमको, लंबा राजनीति करना, झूठ नहीं बोलेंगे हम। ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी, जो वादा किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। और हमारा डीएनए भी शुद्ध है। अभी बताइए आपको स्थायी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, इसके लिए जरूरी है स्थायी सरकार भी होनी चाहिए। नीतीश जी बार बार पलटी मार करके 4 साल में 4 सरकार दिए, 4 सरकार। आपको अगर विकास चाहिए, काम चाहिए, स्थायी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको स्थायी सरकार भी चाहिए। नीतीश जी का तो ठीक है, ऐसा कोई सरकार है जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, इसलिए हम निश्चिंत होकर के अब लौट रहे हैं। समय खत्म है, परमिशन 11-12 बजे तक तय दिया गया था, इसलिए हम लोग कानून का उल्लंघन जो करने वाले हैं। तो फाइनल रिजल्ट है ना, एक बार हमको आशीर्वाद दे दीजिए, जाके आपका सरकार हम बनाने जा रहे हैं।